मैम क्या इसका कोई भी इस लिंक से कोई भी कोर्स मैं चुन सकता हूँ और कर सकता हूँ, या कोई स्पेसिफिक कोर्स होगा? क्या सर दोबारा बोलिए। मैं बोल रहा हूँ मैम कि कोई खुद से चुनना है कोर्स को या आपके द्वारा दिया जाएगा? सर मैंने एक लिंक दिया है चैट बॉक्स में, कोर्स का लिंक दिया है, आपको वो कोर्स करना है। मैडम थोड़ा लिंक को आसानी से दिया जाए ताकि आदमी को समझ में आ जाए, वो कहीं कहीं दब जाती है। तो अभी बिल्कुल सामने है सर, आप चैट ओपन करिए, बिल्कुल सामने लिंक है। जी अगर आप चाह रहे हैं तो मैं 1 मिनट के लिए कॉपी करके आपके सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे लगा देती हूँ। मैम ये मैडम, हमको अभी अभी करना दो है दो लिंक है यहाँ पे वही आर के। दोनों सेम है सर, किसी ने कॉपी करके आपकी मदद के लिए डाला है। अच्छा, ओके, थैंक यू। दोनों एक ही है? हाँ, जिन्होंने ये कोर्स पहले किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पुराना सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है हमें। अच्छा, ये अभी मैडम डू वी हैव टू डू इट नाउ और आफ्टर द कंप्लीशन मैम मैंने ऑफ एक्सप्लेन किया, ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यू हैव टू कंप्लीट इट एंड सबमिट द गूगल फॉर्म व्हिच वी विल शेयर लेटर ऑन, इन दैट यू हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ दिस कोर्स, यू डोंट हैव टू डू इट राइट अवे, इट इज अ 2 आवर कोर्स, यू विल टेक सम टाइम टू डू इट। उसमें रजिस्ट्रेशन हाँ सर, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, अभी अभी सेशन अभी शुरू हुआ ना, तो अभी उसके ऊपर काम करना है या बाद में आफ्टर द सेशन खत्म होने के बाद? सर मैंने बताया कि ये 2 घंटे का कोर्स है, आपको ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी वक्त शाम में या जब भी फुर्सत हो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट क्लास में नहीं करते। ओके ओके जी, इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही किया जा सकता है मैम? जी जी, इसको इंग्लिश में ही किया जा सकता है। अब हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ प्रस्थान करते हैं, नहीं तो यही रह जाएंगे, ऑलरेडी डिलेड है। हाँ जी बोलिए मैम। कैन यू शेयर योर लिंक टू द व्हाट्सएप ग्रुप? यस आई विल शेयर, आई सेड आई विल शेयर ऑन द ग्रुप आल्सो। ओके थैंक यू। So now, the last, we are towards the end of this day and the last session of today is on instructional designing with an emphasis on script writing and storyboarding. क्योंकि हम लोग इस पूरे 5 दिन के सत्र में e-content बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें instructional designing की समझ और साथ ही साथ script किस तरह से लिखी जाएगी, मान लीजिए अगर आप video बना रहे हैं या कोई भी content बना रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट पहले आपको क्या तैयारी करनी है उसकी समझ बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने पहले समझा कितने तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, उसके बाद हमने समझा कि अगर हम ऑनलाइन कोई मटेरियल उठा रहे हैं उसे ढूंढते वक्त हम कैसे लाइसेंसेस का ध्यान रखें कि हम कॉपीराइटेड मटेरियल ना यूज करें, और अब हम जानेंगे कि हमें जब कंटेंट बनाना शुरू करना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशंस और रिक्वायर्ड है और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी। तो इस सेशन के लिए हमारे साथ इंदु मैम है, सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट इंदु मैम टू प्लीज टेक दिस सेशन फ्रॉम नाउ ऑन, ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर मोनिका and a very good evening to all the participants who get another session of this workshop. So to develop any kind of content, script is very, very important, and the instructional designing. So this session will be, we will be discussing this. So I will be having a presentation and I will also be showing you some resources, actual video, and the script on which these videos are based, and also the storyboard of the resource, so that you can understand the alignment between a resource and the script on which it is based. So ye alignment samajhne ke liye ye zaruri hai ki hum dekhen ki koi bhi resource jab hum banate hain to uski script kya hai. हाँ,
सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर दें। उस पे भी प्रोजेक्ट आ नहीं रहा, किसी और का आ रहा है, मतलब साथ में उस पे। आवाज नहीं आ रही है, मैं नहीं आवाज आ रही है, अभी शुरू नहीं किया, वेट करो। The attendance form has to be filled again. Answer कर दूँ। Attendance जिन्होंने fill नहीं की है, केवल उनको दोबारा fill करनी, उनका रह गया है। We will be closing the attendance in 10 minutes. So, जिनकी रह गई है वो fill कर दें. Otherwise, the attendance form will be closed. Ma'am, एक दिन में एक ही बार करना है ना attendance? ठीक है, प्लीज प्रोजेक्ट द प्रेजेंटेशन सो दैट वी कैन स्टार्ट इट। यस, सो स्टेप्स इन क्रिएटिंग ऑडियो वीडियो कंटेंट इज द टाइटल ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। और स्क्रिप्ट टू स्क्रीन नाम से भी इज देयर एनी प्रेजेंटेशन देयर इन द फोल्डर? Can I see the folder, please? Just wait for a few seconds. Next slide, please. Now, please share the screen. Next slide. So, to develop content, we need to have following considerations in mind. Learning theories. क्या हैं जिस पर based हम content बना रहे हैं? कोई भी content जो हम बना रहे हैं, उसके learning objectives क्या हैं? जो उस particular कंटेंट को बनाने से या उसको एग्जीक्यूट करने से बनाने के बाद हमारे अचीव होंगे। और हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की चर्चा पिछले सेशन में भी करी गई थी कि हमारे पास जो एक ग्रुप होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। वी हैव चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज इन आर क्लास।
So we need to address the individual differences also. Next slide. इसके बाद ये development का process क्या है एक script का. So what are the steps in script development and production? तो सबसे पहले we need to know our audience कि हमें पता होना चाहिए हमारे audience कौन है. उसके बाद we have to select a theme and topic. Then we have to develop content briefs. Then we have to research on the subject. जिस subject के ऊपर हम content बना रहे हैं उसको research हमें करना होगा. उसके बाद sequence the content. हमें content की sequencing करनी होगी. ये नहीं कि हम जो concept है उस पर based जो aligned sub concept है हम उसको किसी भी तरह clubbing कर सकते हैं. We need to have a logical sequencing also. So logical sequencing बहुत जरूरी है. उसके बाद ये हमें करना है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या होगा हमारा. मैम यू आर म्यूटेड. यस सो वी आल्सो नीड टू नो द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट कि हमारा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या होगा. जो भी हम ऑडियो वीडियो रिसोर्स बना रहे हैं क्या वो एक पैनल डिस्कशन है क्या वो एक सॉन्ग है या क्या उसका फॉर्मेट है या वो एनिमेशन है जैसे मैंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट दिखाया था या कि ये कंटेंट एक लेक्चर में वीव्ड इन होंगे ये एक लेक्चर है. सो वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि हमें प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या चाहिए और वो ये ध्यान में रख के हमें तय करना है कि नेचर ऑफ कॉन्टेंट क्या है जिसके साथ हमें डील करना है. जैसे कि जब भी हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो उसमें कई प्रकार की प्रकृति होती है जो कंटेंट हम डील करते हैं उनकी नेचर अलग अलग होता है. अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ कंटेंट क्या है. कुछ प्रकार का कंटेंट होता है वो फैक्चुअल कंटेंट है तो उसके लिए हमें उसी तरीके का प्रेजेंटेशन फॉर्मेट रखना होगा जो फैक्चुअल कंटेंट के लिए सूटेबल हो. इसके अलावा कुछ कंटेंट होता है कॉन्सेप्चुअल जिसमें कॉन्सेप्ट्स डील हम करते हैं तो उसी हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन फॉर्मेट रखना होगा. कुछ प्रकार का कंटेंट ऐसा होता है जो प्रोसीजरल होता है जिसमें प्रोसेसेस समझाने की आवश्यकता होती है प्रक्रियाएं. जैसे मैंने सुबह वाले सेशन में आपको दिखाया था वॉटरफॉल फॉर्मेशन की प्रक्रिया तो वो प्रक्रिया सदियों में घटित होती है ये भी आपको बताया गया था. तो उसके लिए डायग्राम या स्मॉल एनिमेशन एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट हो सकता है जिससे कम समय में हम इस जटिल प्रक्रिया को समझ सकते हैं तो वो प्रोसेस था. इसी तरह से पाचन एक प्रक्रिया है श्वसन एक प्रक्रिया है. इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा उपयोगी है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग स्टूडेंट्स अटेंशन स्टूडेंट्स की अटेंशन को ध्यान में रखने के लिए को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा. तो जैसे कि अगर हमारे फाउंडेशनल लिटरेसी स्टेज के बच्चे हैं FLN जिनको हमें प्रोपोगेट करना है जिनके बीच तो उनके लिए गाने पहेली म्यूजिक यानी कि संगीत साउंड इफेक्ट्स फन और ह्यूमर अगर वहां कहीं आता है वो जरूरी है. और एक बहुत वर्बोस कंटेंट नहीं होना चाहिए या एक फ्लो में पूरा नहीं जाना चाहिए बल्कि बीच बीच में उचित पॉज और रेस्ट भी होना चाहिए. इसके अलावा हमें देखना चाहिए कि वो इंटरैक्टिव हो कंटेंट तो और भी अच्छा है. गेमिफिकेशन है उसमें तो और भी अच्छा है. जैसे कि H5P कंटेंट मैंने आपको दिखाए थे इंटरैक्टिव कंटेंट और आज इस सेशन में भी हम देखेंगे तो वो जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए अगर हम गेमिफिकेशन ऐड करते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट बनाते हैं तो वो भी बच्चों की अटेंशन को होल्ड कर सकते हैं. इसके बाद वो जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जिन पर हो पाए जिनमें हो पाए कि स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट का भी स्कोप हो. जैसे एक कंटेंट सुबह आपको दिखाया गया था एक छोटा सा चित्र पर आधारित कहानी थी चित्रों पर आधारित अली की जो कहानी थी और उस पर फिर चर्चा बच्चों के साथ तो वहां हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं
तो वो वीडियो जो था वो एक सजेस्टिव वीडियो है, लेकिन जब टीचर एक्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिस करें तो ऐसे वीडियो से इनसाइट लेके वो अपना जो लर्निंग प्लान है उसको इनहेंस कर सकते हैं। या टीचर एजुकेशन की क्लासेस में अगर किसी टीचर एजुकेटर को ये इस्टेब्लिश करना है, ये बताना है कि कैसे कहानियों पर आधारित चर्चा हम कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कंटेंट बहुत सूटेबल होगा। और अब हम देखेंगे कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। एक अट्रैक्टिव स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही उसका स्टार्ट जो बोरिंग हो, बोरिंग होने की बजाय उसका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए स्टार्ट, जिससे शुरू करते ही किसी भी चीज को हम उसको हमें देखने की जिज्ञासा ना हो बल्कि हमें इच्छा हो कि हाँ हम इसको क्लोज कर दें, तो ऐसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का स्कोप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए कंटेंट, उससे कुछ पर्पस, कुछ ऑब्जेक्टिव बच्चों के सॉल्व हो लर्निंग के। नोन टू अननोन अप्रोच होना चाहिए, इंटरैक्टिव हमने चर्चा करी ली वो होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे हमें एब्रप्टली जंप नहीं करना है बल्कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। इसके बाद अगर हम ह्यूमर और फन भी उसके अंदर है तो और भी अच्छा है, जहां आवश्यकता हो, जबरदस्ती नहीं कि हमें फन और ह्यूमर बिल्ड करना ही है। रीइंफोर्समेंट विद वैरायटी एंड लिंकेजेस, हमें रीइंफोर्समेंट एक वैरायटी ऑफ तरीके से रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। जैसे सुबह आपको कुछ इंटरैक्टिव कंटेंट का वीडियो दिखाया था, उसमें वेल डन जैसा फीडबैक था, या ट्राई अगेन, गलत ना कह के रॉन्ग, ये रीइंफोर्समेंट देने की बजाय या फीडबैक देने की बजाय गलत हो जाता है तो हम ट्राई अगेन उसमें डालें, तो दैट गिव्स स्टूडेंट्स अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ना कि ये कि वो गलत हो गया। फिर क्लोज डाउन भी है, जिस भी कंटेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसका एक स्मूथ क्लोज डाउन भी, क्लोजर भी स्मूथ होना चाहिए, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी कंटेंट का। नेक्स्ट प्लीज। हम स्टोरी बोर्ड की बात करें तो स्टोरी बोर्ड होता क्या है, सबसे पहले तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका जो वीडियो है वो किस तरह से शॉट बाय शॉट अनफोल्ड होगा, पहला शॉट क्या होगा, दूसरा शॉट क्या होगा, तीसरा शॉट क्या होगा, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से, ये सारी चीजों का उसमें चर्चा होती है और उसके लिए टेम्पलेट है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीन वन जो है वो उसमें क्या होगा, सीन टू में क्या होगा, सीन थ्री में क्या होगा, इस तरह से सीन बाय सीन डिस्क्रिप्शन, ये हमें इस तरह से भी मदद करता है कि कहीं हमें किसी चीज का, किसी फोटो का, किसी पिक्चर का, किसी व्यक्ति का मान लीजिए क्लोजअप देना है तो हम उसमें वो टेम्पलेट में एंटर कर देंगे कि यहाँ क्लोजअप चाहिए, इस सीन में क्लोजअप होना चाहिए, ये सीन एक दूर से लिया गया सीन होना चाहिए, इसमें लॉन्ग शॉट यानी कि होना चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाला व्यक्ति और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर हम पहले से ही स्टोरी बोर्ड बना के तैयार रखेंगे तो प्रोडक्शन में ये सुविधा हो जाएगी कि कहाँ किस तरीके के शॉट हमें लेने हैं। तो ये स्टोरी बोर्ड का एक ऑब्जेक्टिव होता है। कई बार स्टोरी कम स्क्रिप्ट भी हो सकती है, स्क्रिप्ट का पार्ट ही हो सकता है, और स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप की ड्राइंग बहुत अच्छी हो, आपको ड्राइंग बहुत अच्छी करनी आती हो तभी आप एक अच्छा स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। आप उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शन या छोटा सा आप स्केच, जरूरी नहीं है कि बहुत फाइन क्वालिटी का, वो स्केच भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, नॉट वेरी फाइन स्केचेस यू हैव टू हैव। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद ऑडियो स्टोरी बोर्ड में, क्योंकि ऑडियो
स्क्रिप्ट जो होती है वो आंखों के लिए नहीं होती है, बल्कि हम कानों के लिए लिख रहे होते हैं, और कानों के माध्यम से ही हमें विजुअल्स मिलने चाहिए, जो हम सुन रहे हैं उसी से हमारे चित्र अंकित हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में कि ये किस विषय में है। तो इसीलिए ऑडियो जो स्क्रिप्ट बनाना और अधिक टफ होता है, क्योंकि हमें वो इमेजिन करवाना है अपने ऑडियंस को। तो इसके लिए इसको हम इनहेंस करते हैं प्रॉपर, एक तो जो आर्टिस्ट हैं उनकी वॉइस बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू दी कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। इसके अलावा साउंड इफेक्ट और म्यूजिक का इसमें बहुत अधिक रोल होता है। मान लीजिए कोई जो स्टोरी है, ऑडियो स्टोरी है या ऑडियो स्क्रिप्ट है या ऑडियो प्रोग्राम है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट के या गोवा के फॉर एग्जांपल हम कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं, और म्यूजिक हम प्ले कर रहे हैं कश्मीर का या कर्नाटक म्यूजिक उसमें हमने डाल दिया है, तो वो एम्बियंस बिल्ड करने में मदद नहीं करेगा जो गोवा का एम्बियंस हमें इसके लिए चाहिए। तो इसीलिए म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। फिर स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, टिप्स भी मैंने बता दिए, स्केच मेथड तो हम यूज करें, टेम्पलेट यूज करें, कोलेबरेटिव टूल्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छा स्केच करना इसके लिए आता हो। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स या कोई भी डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए, हमें सारे सोर्स ऑफ मूविंग एंड स्टिल इमेजेस पता होना चाहिए, कहाँ से हम मूविंग इमेजेस लेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे या किसी सोर्स से हम उसको ले रहे हैं। उसके लिए कॉपीराइट वाला आपको डॉक्टर मोनिका ने बता ही दिया था कि अगर हम सोर्स कर रहे हैं कोई कंटेंट इंटरनेट से या किसी और संदर्भ से, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट सोर्स पता होना चाहिए और हमें क्रेडिट देना चाहिए उसके लिए। सो मींस ऑफ इंपोर्टिंग देम इनटू अ पीसी, उनको हमें एक अपने कंप्यूटर में किस तरह से इम्पोर्ट करना है ये पता होना चाहिए। फिर हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए जो हर क्लिप को ऑप्टिमाइज करे और एक साथ उनको कंबाइन करे। तो इसके लिए भी हम आपको कोई सॉफ्टवेयर इसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप खुद एक वीडियो बना सकते हैं या वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने छोटा सा सैंपल आपको सुबह बताया ही था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा इस बार हम कौन सा सॉफ्टवेयर बता दें, ओपन शॉट वीडियो एडिटर। हाँ, ओपन शॉट वीडियो एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बताया जाएगा। वैसे अगर आपके पास विंडो है तो विंडोज में भी एक वीडियो बनाने का ऑप्शन होता है, लेकिन उसको आप शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज जो है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो वो आप फ्री एंड ओपन सोर्स की तरह शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, यू नीड टू सी दी पॉलिसी। ओपन शॉट वीडियो एडिटर एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसके माध्यम से आप सारी क्लिप एक साथ ला सकते हैं और फिर एडिट करके उसके उसका वीडियो निर्मित हम कर सकते हैं। फिर मींस ऑफ एक्सपोर्टिंग द रिजल्टिंग मास्टरपीस, फिर उसको हम कैसे वहां से एक्सपोर्ट करेंगे ओपन शॉट वीडियो एडिटर से, और उसको एक वीडियो के रूप में एक्सपोर्ट करके राइट रिपोजिटरीज में हम उनको डाल सकते हैं जहां फ्री एंड ओपन सोर्स रिपोजिटरीज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ कैमरा शॉट्स के एग्जांपल हैं, ये भी हमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, इसके बजाय आपके लिए ये देखना ज्यादा उचित होगा एक एक्चुअल एग्जाम्पल। तो इसमें वाइड शॉट का आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, लॉन्ग शॉट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, और मिड शॉट का एग्जाम्पल। ये वाइड है जो बहुत हमें डीप एक इनसाइट मिल रही है एक प्लेग्राउंड की, ये मिड लॉन्ग शॉट है जो हम दूर से ये देख पा रहे हैं, और ये एक मिड शॉट है जिसमें हम एक उचित दूरी से एक दृश्य या एक व्यक्ति का
देख पा रहे हैं. दिस इज नॉट अ क्लोजअप बट अ मिड शॉट. नेक्स्ट, यहां हम देखेंगे तो ये मीडियम क्लोजअप का एक एग्जाम्पल है. क्लोजअप का, मीडियम क्लोजअप का, क्लोजअप का, बिग क्लोजअप का और एक्सट्रीम क्लोजअप का, ये जो बच्चे का एग्जाम्पल है. तो ये सब क्लोजअप है और ये आप एक वीडियो में ये सारे तरीके के शॉट आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक एनिमेशन है. नेक्स्ट, फिर ये अलग अलग तरह के कैमरा एंगल है. अगर हमें कोई टॉप से लेना है एंगल, जहां टॉप से लेना जरूरी है, तो वो टॉप एंगल है. और ये हम स्टोरी बोर्ड में अगर बहुत कंटेंट की डिमांड है तो डाल सकते हैं. ओवर दी शोल्डर अगर हमें कोई लेना है शॉट. पॉइंट ऑफ व्यू एक एंगल होता है, अगर हमें पॉइंट ऑफ व्यू एंगल लेना है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू एंगल में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उस सीन का पार्ट ही हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने सड़क है और ये कार चल रही है, जो कार का आगे का पोर्शन दिखाई दे रहा है. तो इसमें ये जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो लगता है वी आर द पार्ट ऑफ दिस सीन. एक उस तरीके का इससे हमें इल्यूजन सा होता है. इसके अलावा डच एंगल, जब हम किसी खास इमोशन पे हमें बहुत बारीकी से उसको कैप्चर करना है तो उसके लिए डच एंगल होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके, जो कि आप ये तीसरी वाली इमेज में देख रहे हैं वो देख सकते हैं. और एक बर्ड्स आई व्यू है, जो कि वो भी एक टॉप एंगल की तरह ही है, लेकिन उसमें हम और भी ऊंचाई से, मे बी ड्रोन के माध्यम से वो शॉट कैप्चर करते हैं. और एक बर्ड्स आई व्यू किसी भी सिचुएशन का हम कैच करते हैं. नेक्स्ट, ये हम स्किप करते हैं. ये तो थ्योरी पार्ट इसका हुआ. लेट अस नाउ कम ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट, जिसके लिए हम अब एक वीडियो देखेंगे और उस पर आपकी खोज देखते हैं. पहले डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स. Numerator is equal to twice the numerator is two more than the sum. Please mute the participants. समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर. कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले. कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से को मार बना रहे थे वो हथियार. टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी. पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी नडे. जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना. उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना. खाने लगे पका कर खाना. खाने लगे पका कर खाना. आग.
ये जो आपने वीडियो देखा ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का उदाहरण था और इसका विषय था, थीम था आग की खोज। मैम बहुत ही बढ़िया वीडियो आपने क्रिएट किया है, बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है सुनते रहें इसको, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं ऐसे हम लोग भी क्रिएट कर पाए तो बच्चों को काफी अच्छा सिखा पाएंगे। बिल्कुल, आपको एक मोबाइल ऐप के माध्यम से बताएंगे कि कैसे जी, ऐसा वीडियो आप बना सकते हैं। स्टॉप मोशन स्टूडियो एक ऐप है, आप आज ही इंस्टॉल कर लें। इसके ऊपर एक सेशन भी होगा आपका और जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ऐसे स्टॉप मोशन एनिमेशन आप डेवलप कर सकते हैं। पूरा डेमो बेस्ड होगा और आप लोग भी बनाएंगे इसको, ठीक है। और ये कौन सा ऐप मैम, एक्सक्यूज मी मैम, कौन सा ऐप? स्टॉप मोशन स्टूडियो, चैट में लिख दीजिए मोनिका। मैम एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ समय पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने मोबाइल कैमरा से ही मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाया था। एंड्रॉइड कैमरा से बाय डिफॉल्ट भी ये हो सकता है। आवाज आनी बंद हो गई आपकी। एंड्रॉइड कैमरा से ये स्टॉप मोशन एनिमेशन में दो एक बार बना चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शेयर करिए आप हमसे ताकि उसका मेटा डेटा बना के वी कैन हैव इट इन ऑन दीक्षा, या आप अपना आपके स्टेट का अगर इंस्टेंस है। आप कौन से स्टेट से हैं? मैं एमपी से। मैं एमपी से, तो एमपी भी ऑन बोर्ड होगा दीक्षा से। आप वहां जो भी आपकी किताबें हैं उससे लिंक करके दीक्षा पे ये कंटेंट शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं जी मैम, जो आपने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए है, देश को चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस, जो टीचर्स के बनाए थे तो और भी अच्छा है, एजुकेटर्स के हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी मैम संस्कृत के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लगभग 5000 सब्सक्राइबर भी है उसके। अच्छा, तो आप उसका लिंक दे दीजिएगा हमें। जी जी, हम एक बार देख लेंगे आपका यूट्यूब चैनल और उसमें क्या उपयोगी है जो सबके लिए हो सकता है। ऑलरेडी आपके सब्सक्राइबर हैं ही, लेकिन वो अगर आप दीक्षा के साथ भी उसका कुछ अलाइनमेंट हो सकता है तो वी विल लुक एट इट। जी जी मैम, ओके। अब इसका, हाँ जी, हाँ, मैं उमाकांत वर्मा नालंदा से मैम। हाँ हाँ, मेरे भी काफी वीडियो हैं मैम, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि ये यूज के आपके के हिसाब से यूज के हैं कि नहीं है, तो उसे मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें कई एक्टिविटी का, कम से 20 एक्टिविटी है उसके ऊपर बना हुआ है, क्लास का और आउटडोर इंडोर का, स्पोर्ट्स का और एक्टिविटी का, तो वीडियो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे इसके लिए यूज का कैसे है। आप लिंक भेज दीजिए, आपका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है? यस मैम, लिंक शेयर कर लीजिए, आप डॉक्टर मोनिका से शेयर कर लीजिए या ग्रुप में शेयर कर लीजिए, हम एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। और दीक्षा पे एक पार्टनर का प्रोविजन भी है, अगर किसी ने बहुत सारा कंटेंट बनाया है तो वो दीक्षा पे आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें आपका रिसोर्सेस देखने पड़ेंगे कितने यूजफुल हैं। यस मैम, यही जानना था क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, और करिकुलम से अगर वो अलाइंड हैं तो फिर आपके लिए एक प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा दीक्षा पे, जिससे आप स्वयं उनको अपलोड कर पाए। मेरा एक शामिल भी किया गया एससीईआरटी में, एक वीडियो शामिल भी किया गया मैम। अच्छा, वेरी गुड, तो आप लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस ग्रुप में जो जी, और बहुत सारे वीडियो है जो मैं डाल नहीं पाता हूँ मैम, मुझे समझ नहीं आता कि ये यूजफुल है या नहीं है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा गाइड किया जाए मैम। हमारे यहाँ जो प्रोसेस होता है, हालांकि अभी हम थोड़ा सा ऑफ दी ट्रैक जा रहे हैं, डिस्कशन हमें एंड में करना चाहिए था, बट स्टिल आप क्योंकि बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाए हैं, तो मैं ये बीच में ही एड्रेस कर रही हूँ आपकी क्वेरीज। जो आप अपने हमसे शेयर करेंगे तो एक उसका प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ एक मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन है, वहां पे एक रिव्यू कमेटी, वो रिव्यू कमेटी में रिव्यू होता है, जो कंटेंट एज इट इज हम ले सकते हैं वो एज इट इज ले लेते हैं, अगर किसी में मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो रिव्यू रिपोर्ट शेयर करते हैं जो भी कंटेंट शेयरिंग पार्टनर।
और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर वो कंटेंट हम विद्यादान एक ऑलरेडी इनिशिएटिव है दीक्षा से, उसके तहत आप अपलोड कर सकते हैं और फिर वो लाइव दीक्षा पे हो जाता है। ये प्रोसेस है, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। ओके, तो भी इस तरह से बल्क में कंटेंट बना रहे हैं उनके साथ। ओके, इज दैट ओके? यस। अब हम देखते हैं आग की खोज की स्क्रिप्ट, सिनॉप्सिस भी देख सकते हैं। ये एक सिनॉप्सिस है इसका, जो एक संक्षिप्त विवरण है इसके बारे में, और कंटेंट ब्रीफ्स भी हमें बनाने होते हैं कि जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं उसका दायरा क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, इसका स्क्रिप्ट शेयर कर दी। अब आप देखेंगे इसमें ऑडियो और विजुअल तीन कॉलम है। एक और दूसरी स्क्रिप्ट में आपको दिखाऊंगी, उसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है स्क्रिप्ट का। अभी इसमें तीन कॉलम है, जिसमें एक में दृश्य बताया गया, दृश्य एक में क्या है, फिर ऑडियो क्या है उस दृश्य के साथ, और विजुअल क्या है दृश्य के साथ। तो पहला दृश्य है उसमें ऑडियो में संगीत आता है, और संगीत के साथ ही विजुअल जो आता है वो शीर्षक आता है आग की खोज। उसके बाद दृश्य दो में जो गीत के पहले दो लाइनें हैं, एक समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर, ये गाना यानी कि ऑडियो है, और इसके साथ जो विजुअल आता है गुफा के सामने कुछ आदि मानव पत्थर के औजार बनाते हुए और कुछ नाचते हुए, तो ये विजुअल हमें दिखाना था। इसके बाद जो संगीत आता है उसके साथ नाचते हुए आदि मानवों का क्लोजअप आता है, फिर अगले बोल आते हैं गीत के, कुछ चपटे कुछ थेनों के लिए, कुछ जैसे हो मोटी कीले। इसके साथ जो विजुअल है पत्थर लिए, छोटे छोटे पत्थर लिए आदि मानवों के हाथों का क्लोजअप, तो यहाँ क्लोजअप है, और वो एक बड़े पत्थर पर मारकर उनसे औजार बनाते हुए। तो इसी तरह से दृश्य बाई दृश्य, हर दृश्य के अनुसार जो ऑडियो है ऑडियो, और उस दृश्य के अनुसार जो विजुअल है, वो पूरी स्क्रिप्ट में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद एक और हम वीडियो देखते हैं जो है पहिए का आविष्कार। ये आग की खोज इसका शीर्षक था, क्योंकि आग प्रकृति में पहले से ही मौजूद रही है, बस उसकी खोज की गई है, लेकिन जो पहिया है पहिए का आविष्कार किया गया है, तो इसीलिए इसका टाइटल है पहिए का, पहिया दिया है लेकिन पहिए का आविष्कार है। सोचा सिर खुजलाया किया विचार,
मैं तो इसको ढोडो थकता, मैं तो इसको ढोडो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। बांध इन्हें घर में लुढ़काऊं, रख इन पर भारी सामान। हाँ, पल में काम मेरा हो जाए, पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ, गोल 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 गोल। फिर उसने कुछ और भी आका, लट्ठे को टुकड़ों में काटा। हाँ, एक धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधार। हाँ, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 गोल। हम इसका स्क्रिप्ट देखते हैं, इसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड। तो ये देखें, इसमें दो कॉलम है ऑडियो और तीन कॉलम हम अगर दृश्य की नंबरिंग करनी थी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और विजुअल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो है, पृष्ठभूमि में बजता गति का प्रतीकात्मक वातावरण दर्शाता संगीत। तो जो संगीत भी होगा इसमें वो सिंबॉलिक होना चाहिए, सिंबॉलिक टू स्पीड। और उसके साथ क्या क्या विजुअल्स आते हैं, बांसुरी से अगर आप रिकॉल करें, आपने जो वीडियो में देखा था, बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स के साथ आता है शीर्षक, पहिए का आविष्कार, हवाई जहाज के पहिए का क्लोजअप, उड़ता हुआ हवाई जहाज, कार के पहिए का क्लोजअप, सड़क पर दौड़ती कार, स्केट्स पर दौड़ता बच्चा, बाइक पर जाता राहगीर, आसमान पर चढ़ता गोलाकार सूरज, घूमती धरा, गोल गोल अक्षर, गोलाकार घूमते हुए। उसके बाद फिर गाना शुरू होता है, एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। उसके साथ अगर आप रिकॉल करें क्या विजुअल थे, प्रागैतिहासिक काल का वातावरण, वहीं ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा और उसे गौर से देखता प्रागैतिहासिक मानव। उसके बाद गोल 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 जब आता है तो तरह तरह की गोल आकृतियां, जिसमें आपने घड़ी भी देखी, चरखा देखा होगा और बहुत सारी तरह की जो गोल आकृतियां होती हैं वो गोल आकृतियों का चित्रण था। फिर अगले बोल जब आते हैं, गोल गोल लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर, इसमें फिर वही प्रागैतिहासिक काल का वातावरण होगा, ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा, नीचे फैले मैदान पर लुढ़कता 20% बचा हुआ है।
पीछे से वॉइस आ रही है, एक पेड़ से टकराकर वापस कुछ दूर लुढ़कता है, पेड़ से टकराकर फिर उसकी गति धीमी होती हुई है होती है और फिर वो रुक जाता है। इसके बाद फिर गोल गोल उसमें घड़ी की सुइयों का रोटेशन है, गोल गोल अक्षर गोलाकार घूमते हुए, लकड़ी का पहिया जूम होते हुए, फिर म्यूजिक के साथ बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स हैं। देख उसे कुछ उसने सोचा, सिर खुजलाया किया विचार। तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक मानव का एक्सट्रीम क्लोजअप था जिसमें उसकी आंखें गोलाकार गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती हैं और एक वो सिर खिजलाते हुए अपना विचार करता है उसको देख के। तो इसी तरह से मैं पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही हूँ, आप देखेंगे स्क्रिप्ट हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके लिए हो जाए और वीडियो भी शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से जो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है वो सब कुछ स्क्रिप्ट में है। हालांकि इसके लिए हमें स्टोरी बोर्ड की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन स्क्रिप्ट में ही किया हुआ है कि कहाँ क्लोजअप चाहिए कहाँ लॉन्ग शॉट चाहिए, लेकिन इसका स्क्रिप्ट बोर्ड फिर भी निर्माण की सुविधा के हिसाब से एनिमेटर के लिए निर्मित किया गया। और आप ये देखिए ये पहला दृश्य जो ये होता है, दूसरा दृश्य ये है, तीसरा दृश्य ये है, चौथा दृश्य यहाँ है। ये एक एग्जाम्पल हमने वहां पॉइंट ऑफ व्यू शॉट का जिक्र ही किया था, पर ये क्योंकि एक मूविंग शॉट नहीं था बट पॉइंट ऑफ व्यू शॉट कुछ इस तरीके का था। फिर ये अगला दृश्य है, अगला दृश्य, तो ये आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरे दृश्य चलते हैं। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा चरखे से अंत नहीं होता है बल्कि उसका अंत होता है जैसे बच्चे साइकिल के पहिए को एक छड़ी से मार के घुमाते हुए दौड़ते हैं और खेलते हैं, ये खेल होता है उनके लिए, उससे अंत होता है। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की पूरी प्रक्रिया होती है तो उसमें स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड के स्तर पर चीजें डिस्कस करी जाती हैं टीम के मध्य। और तब ये एक सजेशन आया था कि हम अगर अंत इस दृश्य से करें तो अच्छा होगा, तो बाद में वो दृश्य ऐड किया गया था जिसमें वो बच्चा टायर को लकड़ी से मारता हुआ आता है और उससे खेलता है, वहां उसका अंत करते हैं क्योंकि वीडियो बच्चों के लिए है तो बच्चों के एक खेल के प्रतीक से ही उसका अंत हो तो ये ज्यादा अच्छा समझा गया टीम के द्वारा। तो इस हिसाब से इसमें बदलाव लाया गया था। जहां तक इस तरीके के कंटेंट के पेडागोजिकल इंटीग्रेशन की बात है, आईसीटी टेक्नोलॉजी कंटेंट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो इन दो वीडियो में जिनकी चर्चा हुई, ये ऐसे खोजें और आविष्कार हैं जिसकी खोज और आविष्कार किसने की ये हम नहीं जानते क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल की खोजें हैं जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, उस दौरान की खोजें हैं। तो हमें पता नहीं है कि सुदूर अतीत में किस इंसान ने आग की खोज की थी, किस इंसान ने पहिए का आविष्कार किया था और कौन वो इंसान था जिसने खेती की शुरुआत की थी, खेती का आइडिया जिसके दिमाग में आया होगा। तो ये जो अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है इसके बारे में हम केवल अनुमान लगाते हैं कि इनका आइडिया मानव के दिमाग में जो थिंकिंग ह्यूमन था कैसे आया होगा और उसी कल्पना के आधार पर इन वीडियो का निर्माण किया गया है। पर जहां तक इससे एक लर्निंग ऑब्टेन करने की बात है, हम इससे ये भी चर्चा कर सकते हैं कि जब आग का आविष्कार खोज हुई होगी तो मानव के जीवन में उससे क्या परिवर्तन आए होंगे, या मानव पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से उसने तेजी पकड़ ली होगी और सभ्यताओं और संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ संपर्क इसके साथ शुरू हुआ, डिविजन ऑफ लेबर इसके साथ शुरू होता है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम इनके माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। कैसे खेती की शुरुआत से मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी आई, जो वो एक घुमंतू जीवन जीता था, घुमंतू जीवन जीने की अपेक्षा अब मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया
और स्थायित्व आने से ही जो वस्तु विनिमय का जो दौर था उसकी शुरुआत हुई। अब कोई खेती कर रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है, कोई कुछ और रोजगार को अपना रहा है और वो आपस में वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं और वस्तु विनिमय ही आगे जाकर और जटिल आर्थिक प्रक्रियाएं उसके बाद शुरू हुई। किस तरह से करेंसी का भी किसी ने सोचा होगा, आइडिया है होगा दिमाग में, और उससे वस्तु विनिमय की अपेक्षा विनिमय करेंसी के माध्यम से होने लगा। और शायद जो लॉ जैसी एक कॉम्प्लेक्स संस्था है, कानून जैसी संस्था है, राज्य जैसी संस्था है, इन संस्थाओं का निर्माण भी जीवन में स्थायित्व आने से ही शुरू हुआ, क्योंकि फिर जमीन जो है जिस पर हम खेती करते हैं उसकी ओनरशिप का भी सवाल आया और कौन ओन करता है उसको लेके झगड़े शुरू हुए मानव समूहों में, और उससे एक राज्य और कानून जैसी संस्था का, विवाह जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो एक छोटा सा कंटेंट हमें कितने तरह की सिंपल और जटिल जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, उन तक हम ले जा सकते हैं उसके माध्यम से। ये मैंने आपको इसका एक पेडागोजिकल यूजेस के ऊपर भी साथ में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं एक इंटरैक्टिव कंटेंट, और इंटरैक्टिव कंटेंट का स्टोरी बोर्ड और स्क्रिप्ट कैसी होती है, क्लासिफिकेशन। Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four groups. Drag fruits to the basket to form the four groups. Observe the fruits. Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four groups. Drag fruits to the basket to form the four groups. तो ये हमने एक इंटरैक्टिव कंटेंट का उदाहरण देखा, अब हम इसका एक स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। सेकंड, ये लास्ट में, या मेरा हाँ, यहाँ हम स्क्रॉल करें तो देखें टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, चाइल्ड हैज टू क्लासिफाई द फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप, कुछ भी हम रख सकते हैं। इसकी किस भाषा में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैथ्स अभी हमने इंग्लिश का दिखाया आपको, विषय मैथ्स है। क्लास वन है, जो ऑडियंस है इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी। टीचर इसको सेल्फ लर्निंग के लिए ट्रायल एंड एरर के तरह यूज कर सकते हैं, टीचर्स एक पेडागोजिकल रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है क्या इसका यूज है, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये इसका एजुकेशनल यूज है। ये एक इंटरैक्टिव कंटेंट है और ये एक सेल्फ जनरेटेड यानी कि सीआईटी द्वारा निर्मित कंटेंट है। अब हम इसका स्टोरी बोर्ड देखें तो ये तो ग्राफिक बेस्ड है, लेकिन हम इसको सिंपल हाथ से स्केच करके भी बना सकते हैं। तो ये हमने जो डेवलपर है जिसने H5P के माध्यम से इस कंटेंट को बनाया, उनको ये स्टोरी बोर्ड दिया। जरूरी नहीं है कि सारा
जो कंटेंट व्यक्ति अपने आप बनाए सीआईटी में, क्योंकि टीम है, सॉफ्टवेयर वाली टीम भी है, तो उनके साथ ये हमने स्क्रिप्ट शेयर करी। आप स्वयं भी बनाए तो ये एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी है उस कंटेंट का, जो कि आपने अभी देखा उसको भी सजेस्ट कर रहा है इसमें, कि ऑब्जेक्टिव इसमें है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हमने ये इसका इमेजेस दी, स्टोरी बोर्ड दिया, इंस्ट्रक्शन फॉर यूजर इसमें टेक्स्ट और ऑडियो में। डेवलपर को हम क्या सलाह दे रहे हैं कि इसका जो इंस्ट्रक्शन है टेक्स्ट और ऑडियो दोनों में आना चाहिए। जैसे आपने ऑडियो में सुना होगा, ऑब्जर्व द फ्रूट, कैन वी पुट देम इन फोर बास्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, तो ये ऑडियो में भी आ रहा था और रिटन इंस्ट्रक्शन भी था। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्क्रॉल करें नीचे, यूजर के लिए इसका क्या इंस्ट्रक्शन है, वो भी ऑडियो में था, टेक्स्ट में भी था। ऑब्जर्व द फ्रूट, कैन वी पुट देम इनटू फोर बास्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, तो ये ऑडियो में इसलिए था कि क्लास वन के बच्चे को हम इतना ज्यादा टेक्स्ट पढ़ना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कि इंस्ट्रक्शन वो इतने सारे बच्चा पढ़ेगा और फिर वो एक गेम खेलेगा, एक गेमिफाइड कंटेंट का प्रयोग करेगा, उसके बजाय हमें उसको ऑडियो इनपुट देना चाहिए। फिर जो डेवलपर है, क्योंकि डेवलपर मैथ्स का व्यक्ति नहीं है, वो एक एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर नहीं है, तो उसे हमें इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो व्यक्ति को पता है लेकिन उसको एजुकेशन के बारे में आइडिया नहीं है। तो डेवलपर के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन है, इफ द यूजर ड्रैग्स फ्रूट ऑफ वन कलर इन वन बास्केट, देन फ्रूट ऑफ अनदर कलर कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम बास्केट, तो उसको कोडिंग और प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है कि लाल फ्रूट लाल बास्केट में ही जाए, ग्रीन डालेंगे तो वो ग्रीन में स्टे नहीं करेगा, बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि ग्रीन भी उसमें आ जाए और बाद में ये फीडबैक मिले कि जो बच्चा है जो इस गेम को खेल रहा है उसने कितने सही कितने गलत किए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। बट इट इज अप टू द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और द कंटेंट डेवलपर कि हम किस तरीके से चाहते हैं कि बने। इसी तरह से आपने जो पहले दिन वाले सेशन में मैंने आपको दिखाया था ई कंटेंट की स्केच देखकर ऑक्यूपेशन को पहचानना है, और जहां पर एक स्केच था, स्केच देके टाइपिस्ट को पहचानना था, टाइपिस्ट का स्केच था, और उसमें हमने ये भी था कि वो हिंदी में भी आ जाए। इंग्लिश में अगर टाइपिस्ट टाइप करता है तो उसका हिंदी वर्जन, किसी और भाषा में वर्जन, उस व्यक्ति को या उस स्केच को में जो डिपिक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, उस भाषाओं में भी आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी सॉफ्टवेयर में है, और अगर हम डेवलपर को देंगे तो वो उसको भी एक्सप्लोर करेगा। फिर गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गुड विद अ क्लैपिंग फॉर प्रॉपर ग्रुपिंग एंड एनकरेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट, ये एक और इंस्ट्रक्शन है जो सुबह भी मैंने आपको दिखाए थे, उसमें गुड वेरी गुड ट्राई अगेन इस तरह के रीइंफोर्समेंट्स थे। तो ये सब जब हम डेवलपर को देते हैं इंस्ट्रक्शन, तो एक प्रॉपर आपने स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड कंबाइन करके एक कॉन्टेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। आप स्वयं भी बनाए तब भी ये सारी प्लानिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी, और आपको ये सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाएगा इस कार्यशाला में। अब वो हम नेक्स्ट देखें, ये नहीं, वापस फोल्डर पे आ जाते हैं। एक पीएमई विद्या चैनल है जिसमें हायर क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर भी बहुत वर्क करते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर में जो एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे टाइम 90-100% टाइम हमें प्रेजेंटर की शक्ल नहीं होनी चाहिए उसमें, बल्कि और विजुअल इनपुट से भी हमें वीडियो लेक्चर को एनरिच करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वीडियो लेक्चर की जो स्क्रिप्ट है वो भी देखते हैं।
सॉरी इसको थोड़ा सा क्लोज अप कर दो. ये ईवीएस में एक थीम है ट्रैवल, और ट्रैवल थीम को पढ़ाने के लिए क्या पेडागोजिकल अप्रोच यूज करना चाहिए उस पर बेस्ड ये ऑडियो ये वीडियो है, वीडियो लेक्चर है. इसमें भी आप देखेंगे दो कॉलम है ऑडियो वीडियो, और पूरी स्क्रिप्ट में कहां पर प्रेजेंटर आएगा और प्रेजेंटर क्या बोलेगा कितना बोलेगा वो दिया गया है. वीडियो लेक्चर अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कभी भी एक्सटेम्पोर नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्लास में हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं. तो क्लास में हमारे पास ये फ्रीडम रहती है कि हम अपनी बात को चेंज भी कर सकते हैं, हम फंबल भी कर सकते हैं. लेकिन अगर एक वीडियो लेक्चर है तो उसमें ये इसको हमें नहीं रहता है हमारे लिए. तो इसलिए हर चीज स्ट्रक्चर्ड जब होगी तभी हम एक वीडियो लेक्चर टेलीकास्ट होने के वर्दी बना सकते हैं. तो यहाँ आपने देखा होगा प्रेजेंटर शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद स्क्रीन पर अगर जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं तो वीडियो लेक्चर में हमारे स्क्रीन पे बुलेट पॉइंट्स आएंगे. तो कहाँ कहाँ स्क्रीन पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपको देखें. फिर प्रेजेंटर आते हैं, ऑन स्क्रीन कैप्शंस क्या आते हैं, फिर माइंड मैप है, इसमें एक माइंड मैप का प्रयोग किया गया है तो वो माइंड मैप आएगा. माइंड मैप का लिंक भी दिया गया है इसमें. फिर प्रेजेंटर है, फिर रेलेवेंट विजुअल जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है उसके, ऐसे पूरा स्क्रॉल करें तो देखें कि टेक्स्ट लेक्चर का प्लस विजुअल्स इनका कॉम्बिनेशन इसमें है. तभी हम एक बहुत टाइट क्रिस्प वीडियो लेक्चर तैयार कर सकते हैं अगर पहले से ही हम स्क्रिप्ट में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे. ठीक है, अनशेयर कर सकते हैं. तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये अब स्पष्ट है कि कैसे स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक की यात्रा एज अ कंटेंट डेवलपर हम तय करते हैं और एक क्वालिटी कंटेंट का निर्माण करते हैं. अगर कोई सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं. And thank you for all the appreciation which I can see from the chat box about the videos that we have created. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. So English version bhi hai uska. इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है पहिया स्क्रिप्ट का, तो हम आपसे शेयर कर देंगे इंग्लिश वर्जन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, यू कैन रेज द वर्चुअल हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स. मैम इसके जो भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन आदि तैयार कर रहा है, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन आई वुड एक्सटेंड माय थैंक्स टू इंदु मैम फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड टेकिंग अस थ्रू फ्रॉम द स्क्रैच टू अ फाइनल वीडियो प्रोग्राम, हाउ वी कैन क्रिएट अ वीडियो प्रोग्राम, ऑल्सो शोइंग अस द रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग of the program to script and then storyboard and then the final video how it looks like. So it gives us an idea that how we are going to work towards this. Ma'am, I would like to request if you have any homework or assignment for them. हाँ, इसके लिए आप ना एक थीम सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सॉरी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप कोई भी थीम टॉपिक कॉन्सेप्ट एक चुन लें और उसकी स्क्रिप्ट तैयार करें और
उस पर अगर उसी पर बेस करके आप अपने कुछ और असाइनमेंट तैयार करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपको अगर स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रिप्ट स्टॉप मोशन एनिमेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप और कैसे कंटेंट का चयन करते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले आप एक कंटेंट एनालिसिस अपने विषय में कीजिए, टॉपिक चूज कीजिए और उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट तैयार करें। जिस भी तरह के ई कंटेंट जो मैंने आपको सुबह वाले सेशन में दिखाए थे, कोई भी आप चुन सकते हैं, टाइप ऑफ कंटेंट, फॉर्मेट कुछ भी चुन सकते हैं और उसकी स्क्रिप्ट का निर्माण करें और फिर उसको बनाएं। मैं इसके लिए आपके प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज ग्रुप में शेयर कर लेंगी डॉक्टर मोनिका। जी जी, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। सो ऑल ऑफ यू कैन, सभी लोग एक कोई थीम या कोई एक टॉपिक ले लें जिस पर आप अपना स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, और आने वाले सत्र जो होंगे हमारे सेशंस के डिफरेंट, उसमें आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट फिर क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे आपका पूरा एक रिसोर्स बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं आज के लिए आई थिंक क्लोज करते हैं इस सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। कल हम लोग 9:25 पे वापस ज्वाइन करेंगे, 9:30 हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट सेशन शुरू हो जाए। सभी लोग कल 9:25 पे ज्वाइन कर लें सो दैट हमें शाम में फिर डिले ना करना पड़े किसी भी सेशन को, और आपका सारा कंटेंट भी कवर हो प्लस प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले, क्योंकि कल से आपको डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम करना है, एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है और आपको अपना कंटेंट डेवलप करना है। तो आप आज कोई डेफिनेटली जी, और एक OER का कोर्स जो लिंक मैंने इसमें डाला था, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी अभी, वो कोर्स भी आप पैरेलली शुरू कर लें। कोई दिक्कत आती है तो हम लोग फिर बीच बीच में उसको भी रिजॉल्व करते रहेंगे। मैम, हेलो मैम, वो जो कोर्स आपने OER का डाला है तो वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन के डिटेल नहीं हो रहा, रजिस्टर किया तो आगे कुछ नहीं होता, फिर से वही फॉर्म आ जाता है। पासवर्ड इंटर करने के बाद फिर से लिख रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड है, फिर से फिर भी नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, आप ऐसा करिएगा थोड़ा सा शाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहता। जी जी, मैं डालूंगी, बिल्कुल डालूंगी, अभी सेशन के बाद डाल दूंगी ग्रुप में। आप थोड़ा सा इवनिंग में ट्राई करिएगा, हो सकता है एक साथ सब लोग जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही हो, प्लस एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा तो आपको उसको भी क्लिक करना होगा। आप सारे स्टेप्स पे जब ध्यान देंगे तो आप कर पाएंगे, अगर फिर भी कोई टेक्निकल ग्लिच आएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईमेल वेरीफाई करने के बाद भी वही समस्या आ रही है। ठीक है, तो हम आपको एक रेफरेंस वीडियो हम लोग शेयर करेंगे, एक बार हम निकाल लेते हैं उसमें कि किस तरह से आपको करना है। रेफरेंस वीडियो आपको शेयर किया जाएगा, आप उसके माध्यम से रजिस्टर प्रॉपरली कर पाएंगे। सो अभी कल आप लोग सभी प्लीज 9:25 पे जुड़िएगा कार्यक्रम के लिए, और अपना मोबाइल या लैपटॉप, अगर दो डिवाइस हैं, दो अगर एक है लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया लैपटॉप ही रखिए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस लैपटॉप पर ही बेहतर काम करते हैं। जिस दिन मोबाइल का होगा उस दिन हम आपको वो भी बता देंगे, तो कल आप लैपटॉप के साथ जुड़िएगा, जो हमने कल काम करना है वो उसके ऊपर बेहतर हो पाएगा। और सभी को काम अपना कंटेंट बनाना है और असाइनमेंट्स, जो जो सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे उसका आपको एक एक आउटपुट बनाना है। जैसे कल हम इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे तो आप आपको एक इन्फोग्राफिक जेपेग फॉर्म, मतलब इमेज फॉर्म में बना के रखना है। कल इंटरैक्टिव कंटेंट भी हम लोग बनाएंगे तो आप एक इंटरैक्टिव कंटेंट भी बनाएं, और उसमें से अपने बेस्ट दो या तीन जो हम जैसे फॉर्म शेयर करते हैं उसमें आप अपने अटैच करेंगे। फॉर्म हम थर्सडे को शेयर करेंगे, तब तक आपके सारे सेशन टूल से रिलेटेड होंगे सो दैट आप अपना कंटेंट चॉइस का उसमें ले करके सबमिट कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट। I have tablet, not laptop. Sir, अब वो application I think tablet पे तो चल जाएगा मेरे हिसाब से। Mobile पे थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि छोटी screen रहती है। Ma'am. हाँ जी। मेरी एक query थी, मैं state group में जुड़ा हुआ हूँ मैम, CIUT जो भी हो रहा है,
जिसमें जैसे 180 पार्टिसिपेंट्स अगर ऐसा कोई ग्रुप बना हो व्हाट्सएप का, तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हूँ, तो उसका अगर मेरे को लिंक मिल जाता। आप ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? ये स्टेट का एक बना है मैम, जिसमें ना 32 पार्टिसिपेंट्स ही है, मैं उस ग्रुप में जुड़ा हूँ, पर जिसमें सभी राज्य के जुड़े हैं उस ग्रुप में नहीं हूँ मैम। मैं अभी आपको चैट पे लिंक भेज रही हूँ। जी मैम, एक मिनट आप रुकिए, चैट पे लिंक भेज रही हूँ, आप सभी कर लें, सभी जुड़ जाए उससे। अभी मैंने चैट पर एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, तो जो लोग आप में से नहीं जुड़े हुए हैं प्लीज जुड़ जाएं। आज के लिए सर आपको ओईआर वाला ही करना है, आगे रोज आपको जो जो काम हम करेंगे वीरेंद्र शुक्ला जी, वो आपको साथ साथ काम करने होंगे। मैम वो ओईआर का ईमेल वेरीफाई करने के बाद हो जाता है, वो आप ईमेल में जाके वेरीफाई ईमेल करेंगे तो फिर लॉगिन होता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, वो होगा अभी, हो सकता है ओवरलोड होने की वजह से, वो बाद में थोड़ी देर में ट्राई करेंगे, सबका हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो लगातार 2 घंटे का जो कोर्स है लगातार करना है या बीच में? नहीं नहीं, आप जितनी देर करेंगे वो वहीं सेव हो जाएगा, आप थोड़ी देर बाद दोबारा लॉग इन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद हो रहा है, मेरा तो खुल गया है। सर वो सभी का खुल जाएगा, एक्चुअली एक साथ शायद सब लोगों ने किया होगा तो किसी किसी को दिक्कत आई होगी, वो टेक्निकली कभी कभी होता है, हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, थर्सडे तक करना है इसीलिए मैंने टाइम दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके थैंक यू मैम। ये ग्रुप चैट पे मैंने लिंक डाला है व्हाट्सएप ग्रुप का, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मीटिंग क्लोज होने के बाद आपको फिर ये नहीं मिल पाएगा। मैम ओ ई आर कहाँ से करना है, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे इसको, प्लीज एक बार। सर ओईआर का एक कोर्स का लिंक मैंने चैट में डाला था, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगी। जी व्हाट्सएप ग्रुप से आप वो लिंक एक्सेस करके कोर्स कर सकते हैं। कई बार क्या होता है मैम, वो लेक्चर सुन रहे हैं तो चैट नहीं देख पाते। कोई बात नहीं सर, वो अनाउंस में साथ में करती हूँ, किया था आपका, मिस हुआ होगा। हाँ मिस हुआ होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहे, मैं ग्रुप में डालूंगी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप वहां से कर सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सेशन की रिकॉर्डिंग हमें 1-2 दिन लगेंगे रिकॉर्डिंग्स देने में, क्योंकि डाउनलोड और अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है। प्रेजेंटेशंस मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी या फिर वेबसाइट पे पोस्ट करवा